अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपकी जबरदस्त तैयारी कराना शुरू कर दिया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएं, वहां पे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम बताएंगे आपको अव्यू मैट्रिक्स, बहुविकल्पी व अति लघुत्तरी। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो बहुविकल्पी व अति लघुत्तरी एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वो कौन से क्वेश्चंस हैं और उस प्रश्नों का हम हल भी आपको देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देंगे तो आप कहीं भी लगा लीजिएगा, ऐसा नहीं है। मैं उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हल भी साथ में देने वाला हूँ। ये वीडियो क्लास 12 के लिए बनाया जा रहा है, टोटल एनसीईआरटी से, टोटल के टोटल एनसीईआरटी पैटर्न से ये उठाया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, वो कौन कौन से बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी क्वेश्चन है। तो यहां पे देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो है, यदि a बराबर 224-6 तथा b बराबर 76-58 तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2009 में एक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन इसको करना कैसे, सबसे बड़ी बात ये उठती है। सेकंड बात, आपको इसमें से कौन सा सही करना है वो तो आप निकाल लेंगे क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। टिक मारने वाले तो आराम से आप लिख सकते हैं कि इसका ये आंसर सही है, वो तो कर लेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे पता तो चलेगा कौन सा सही है। हो सकता है ए का मान चेंज कर दे, बी का मान चेंज कर दे, तब भी क्वेश्चन देंगे तो कैसे लगेगा, इसके लिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए बराबर जो दिया है वो है 224-6, ये दिया गया है, और बी बराबर दिया है 76-58। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं, आपको ये रफ कार्य में सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आपको सीधे यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे लिखना है मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद देखिए a प्लस बी ज्ञात करना है, तो हम करेंगे 224-6, ये हो गया a की वैल्यू, अब प्लस लगाएंगे 76-58, ये हो गया b की वैल्यू। इसको जब जोड़ेंगे तो 2 को 7 से जोड़ दो 9, 6 और 2 8, 5 और 4 करेंगे, लेकिन ये माइनस है तो ये हो जाएगा -1 और 8 ये हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें a प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है। अब देखते हैं कौन सा सही है, 9, 8, -1, 2, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला सही है। तो आप लिखेंगे उत्तर, उत्तर लिखेंगे a। a डालने के बाद आपको लिखना भी है कि a है क्या, a है 9, 8, -1, 2, इस तरह से आप लिखते हैं तो एक मार्क्स पूरे आपको दे दिए जाएंगे। और ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन किया है, ये चीजें आपको नहीं करना है, ये रफ कार्य में करना है, ध्यान से समझिएगा, ये रफ कार्य में करना है। रफ कार्य करने के बाद आप इसको क्रॉस कर देना भी है, ऐसा नहीं कि करके नहीं छोड़ना है, क्रॉस भी कर देना है, बस आपको बहुविकल्पी में इस तरह से लिख के छोड़ देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई इज इक्वल टू 342342 तो एक्स वाई के मान होंगे, हमें एक्स वाई का मान बताना है कि क्या होगा, और ये ऑप्शन आपको दे दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है 2014 में, ये भी एक मार्क्स की क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का आपस में आपको गुणा करना पड़ेगा, आपको यहां तो लिखना है उत्तर, लिखने के बाद अब वो कौन सा उत्तर सही है, ए बी सी डी जो सही है वो आप यहाँ पे लिख कर उसका नाम भी लिखेंगे। लेकिन अगर हम रफ कार्य में बात करें, रफ कार्य, तो रफ कार्य में अगर आप जगह जहाँ रफ कार्य दिया रहेगा अलग से दिया रहता है, तो वहाँ पर रफ कार्य जब करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स वाई ये हो गया इजिकल टू, इसको जब गुणा करेंगे, हमें ये गुणा करना है तो 3 का 4 में फिर 4 का 2 में इस तरह से गुणा करना पड़ेगा। तो करेंगे 3 × 4 अब प्लस 4 × 2, फिर उसके बाद नीचे करेंगे तो 2 × 4 अब प्लस 3 × 2, ये मैंने क्या किया, इनका गुणा कर लिया, ठीक है, इसका गुणा मैंने कर लिया। करने के बाद इसको सॉल्व करना है, तो ये होगा 4 × 3 = 12,
अब प्लस 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 अब प्लस 3 दूनी के 6 या 12 8 20, 8 6 14। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये x और y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 14। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 20 14 b है, तो लिखेंगे यहाँ पे b और यहाँ पे लिखेंगे 20 और 14, ये हो जाएगा आंसर। और ये जो रफ कार्य आपने किया है, इस रफ कार्य को आप कैंसिल कर दीजिएगा, इसको कहीं और करना है, यहीं पे नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है वो x तथा y के मान हमें बताना है, और यहाँ पे ये डाटा दिया गया है, ये है ऑप्शनल। तो अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन आया था 2014 में, तो इस 2014 में आया था 1 मार्क्स क्वेश्चन। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है उत्तर, और वो कौन सा सही है उसके लिए पहले आप छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट हल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ, इसके लिए आपको ऐसे कर लेना है। अब इसको रफ कार में कैसे सॉल्व करेंगे, तो रफ कार में सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का गुणा आपको करना पड़ेगा, जब आप गुणा कर लेंगे तभी इसका सॉल्व हो जाएगा। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, ये देखिए x से कम x और इसका गुणा करेंगे तो 2y, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y, फिर इसका गुणा करेंगे तो 3y अब प्लस 2x, ये हो गया इजिकल टू है 3 और 5, ये है। तो अब देखिए ये पहले के बराबर है, ये दूसरे के बराबर, तो हमें क्या करना है, इन दोनों से दो समीकरण बनाना है। तो पहला समीकरण हम ये बना लेते हैं, x बराबर 3, यहाँ पे दो समीकरण बनाना है। तो ये ध्यान रखना कि ये इसका और ये इसका ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों एड में है, प्लस में है, तो इसका मतलब ये टोटल एक ही है, ये पहला है और ये दूसरा। तो x प्लस 2y इजिकल टू है 3 के पहला समीकरण हो गया, दूसरा है 3y प्लस 2x इजिकल टू 5, ये है समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हमें हल करके xy का मान ज्ञात करना है। अब ज्ञात कैसे होगा ये समझिए, अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2x, ये भी 2x हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 4y इजिकल टू 3 दूनी के 6, और हमारा समीकरण 2 ऑलरेडी हमारा ये था, ये तो ऑलरेडी था। अब क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर, जब घटाने पर करेंगे तो माइनस 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 चिन्ह हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो 4y में से 3y घटेगा बटेगा y, 6 में से 5 गया 1, y की वैल्यू हमें 1 आ चुकी है। अब देखना है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आप ऑप्शन में ही घुस जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। यदि y की वैल्यू 1 आ चुकी है और कहीं भी y की वैल्यू 1 नहीं दिख रही है, तो आपको जाहिर सी बात है यही ऑप्शन सही होगा। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए या तो यहाँ पे मान निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2, 3 में से 2 घट जाएगा बचेगा 1, तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 हमें मिल चुका है, सी नंबर 1 और 1। इस तरह से आप करेंगे पूरे मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन, जो बहुविकल्पी नहीं होता है, एक एक मार्क्स के वो भी पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे अति लघुत्तरी क्वेश्चन बताने वाले हैं, साथ में हल। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अति लघुत्तरी में हर साल पूछा ही जाता है, और ये पूछा था 2017 और 18 में, तो हो सकता है 2019 में भी आने के चांसेस हैं, और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। a बराबर हमारा वैल्यू दिया है और b बराबर भी दिया है, तो हमें पूछ रहा है a प्लस बी ज्ञात कीजिए, तो a प्लस बी ज्ञात करेंगे, a प्लस बी बराबर a की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस i और यहाँ पे -i 3 4i, ये हो गया a की वैल्यू, प्लस लगाएंगे और b की वैल्यू भी हम इस तरह से पुट कर लेंगे, ठीक है। अब समझिए इसको जोड़ना कैसे है, पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में, तो जोड़ लेते हैं 2 प्लस i प्लस लगाएंगे 1 प्लस i, ये हो गया पहले के लिए। तो पहला कितना आ गया 2 और 1 मिलके हो गया 3, i मिलके हो गया 2i, तो लिखेंगे 3 प्लस 2i, तो यहाँ पे पहले का दोनों का जोड़े मैंने तो कितना आ गया 3 प्लस 2i, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 a प्लस b इजिकल टू, पहले को मैंने जोड़ा तो आ गया 3 प्लस 2i।
अब इसी तरह से दूसरे को जोड़ेंगे तो 2i में से i घट जाएगा, बच्चे का आई, तो ये हो गया आई। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 अ प्लस 2i, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अ प्लस 2i, ये हो गया। अब यहाँ पे 4i और ये 3i, तो लिखेंगे 4i अ प्लस 3, बस 3 हो गया इतना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से मैंने कर लिया, ये आ जाएगा a प्लस बी का आंसर क्या है, 3 प्लस 2i i, 3 प्लस 2i और यहाँ पे 4i प्लस 3। इस तरह से आप लिखेंगे तो पूरे एक मार्क्स दे दिया जाएगा आपको, इस तरह से साफ सुथरे वर्ड में आपको लिखना है तभी आपको मार्क्स दिया जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे दिया है और 2x माइनस वाई की वैल्यू ये दिया है, तो x का मान हमें यहाँ पे बताना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठा लिया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है 2018 में, 17 में, 14, 9, 7 और 6, इतने साल बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें कुछ लोग उलझ जाते हैं। हमें इसमें केवल x की वैल्यू ही बतानी कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 2112, ये हमें x प्लस वाई की वैल्यू दिख रही है समीकरण नंबर 1। इसी तरह से यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1221, ये भी दिख रहा है, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें x की वैल्यू केवल चाहिए, केवल x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ देते तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो केवल x ही बचेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 अ प्लस 2 से इन समीकरण को हम जोड़ते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 3x, क्योंकि y से y कैंसिल, 2x और y को जोड़ेंगे, x को जोड़ेंगे तो 3x इज इक्वल टू, इधर भी हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 2 को 1 से जोड़िए 3, 1 को 2 से जोड़िए 3, और यहाँ पे नीचे से नीचे जोड़िए, 2 से 1 जोड़िए 3, और इसको भी जोड़िए 3, इस तरह से ये आ गया। अब देखिए इसमें से हम 3 को कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा 3 कॉमन, 1 1 1 1, ये मिल जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 1 1 1, यही आप करेंगे तो इतने में पूरे एक मार्क्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया वो है, यदि ये डाटा हमारा 957 के बराबर है तो एक्स वाई तथा जेड का मान हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आया था 2017 और 18 में, तो ये एक मार्क्स का जो क्वेश्चन है, चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन वही लगा सकता है जिसका बेसिक मैथ तेज है। सबसे पहले ये इसके बराबर करेंगे, मतलब x प्लस वाई अ प्लस जेड बराबर 9, समीकरण नंबर 1। फिर x प्लस जेड है, या y प्लस जेड को भी ले लेते हैं 7, y प्लस जेड 7 के बराबर है ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और यहाँ पे x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 3। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस x y z का मान ज्ञात करना है। अब देखिए हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण 1 और 3 को अगर लें, पहले और तीसरे को, तो x z दिख रहा है, तो अगर हम इन दोनों को घटाएंगे क्या समीकरण 1 माइनस 3 से, तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ये तो समीकरण नंबर हमारा 1 था, उसको मैंने छोड़ दिया, और 3 हमारा क्या है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये हमारा है समीकरण नंबर 3। हमें क्या किया था, घटाया था, घटाने का मतलब माइनस माइनस माइनस, चिन्ह मैंने चेंज कर दिया, तो जेड से जेड कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा वाई, तो वाई बराबर इसको भी घटा लेंगे तो आ जाएगा 4। y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है, इस y की वैल्यू हम उठा के समीकरण नंबर 2 में रखेंगे ताकि हमें z की वैल्यू मिल जाए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लेते हैं, y का मान है 4 अ प्लस जेड बराबर 7 था, तो z बराबर 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो z की वैल्यू आ गई 3। ये हो गया z की वैल्यू और ये हो गया y की वैल्यू, हमें अब चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए x की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे रखेंगे x, z की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगा, तो समीकरण 3 से, तो लिखेंगे
समीकरण तीन से। समीकरण तीन क्या है, x प्लस जेड, जेड की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, x बराबर 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं x, y और यह x, z और y तीनों की वैल्यू मैंने इस तरह से ज्ञात कर लिया है। अगर ये करते हैं तो आपको पूरे एक मार्क्स दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, यदि a बराबर डाटा दिया गया है और b का भी डाटा दिया गया है, दिखाइए कि a भी शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह तब होगा जब सभी की वैल्यू शून्य होगा, लेकिन यहाँ पे a भी बोला है, a भी का मतलब a और b का गुणा करना पड़ेगा तभी वो शून्य आव्यूह होना चाहिए, ये हमें दिखाना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 और 11 में, ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आप ध्यान में रखते हैं तो सारे मार्क्स आपके ही हो जाएंगे। चलिए ज्ञात करते हैं, सबसे पहले ए की जो वैल्यू है हम उसको लिख लेते हैं। तो ये है ए की वैल्यू और ये है बी की वैल्यू। अब क्या करना है, हमें ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी के लिए हम दोनों को गुणा करेंगे, ए बी इज इक्वल टू, देखिए पहले का पहले में गुणा करेंगे तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1। अब दूसरे को इसमें करेंगे तो ये मिल जाएगा -1, तो ये हो गया -1, ठीक है, ये पहले के लिए हो गया। अब इसी तरह सेकंड में करेंगे तो इधर भी मिल जाएगा 1 - 1, और इधर करेंगे तो -1 + 1 मिल जाएगा, और इधर करेंगे तो -1 + 1। इस तरह से दो 2 × 2 का गुणा 2 × 2 में करेंगे तो 2 × 2 ही आएगा, ठीक है। मैंने गुणा कर लिया तो 1 में से 1 घट जाएगा, मिल जाएगा 0, ये इससे घटेगा 0, ये घटेगा 0 और ये भी घट जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि ए बी गुणा करने पे हमें शून्य आव्यूह मिल चुका है। लिखेंगे अतः ए बी शून्य आव्यूह है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। जब यदि इतना आप लिख लेते हैं तो आपको पूरे मार्क्स दे दिया जाएगा। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इति सिद्धम, इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले लाइक करें, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि आपको लघु उत्तरी क्वेश्चन बनाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।